स्वागत है आपका ट्रैवल आरजी चैनल पे। आज हम आपको जामजीर वाटरफॉल की तरफ ले चलते हैं। जामजीर वाटरफॉल सासणगीर से 70 किलोमीटर दूर जामवाला गांव के पास सिंगोड़ा नदी पर ये वाटरफॉल स्थित है। सासणगीर से आते समय आप जामवाला गांव तक आएंगे, फिर धारी कोडीना रोड पर जामवाला गांव से थोड़ा आगे ये जामजीर वाटरफॉल है। मेन रोड से अंदर 1.5 किलोमीटर अंदर नदी की तरफ ये वाटरफॉल है। आप सासणगीर से जब आएंगे तो सबसे पहले जो 3 रास्ते आएंगे वहां पर जो ये पेडी और थाबड़ी ऐसे स्टोर जो लाइव बनाते हैं वो मिलेंगे। फिर वहाँ से आपको राइट साइड मुड़ जाना है। राइट साइड मुड़ जाने के बाद जामवाला गांव आएगा और उसके बाद ये वाटरफॉल जाने का रास्ता आएगा। मैं थोड़ा आगे निकल गया था इसीलिए लेफ्ट साइड से मुड़ा हूँ, लेकिन आप सासणगीर से आएंगे तो आपको राइट साइड मुड़ जाना है। जामवाला गांव से थोड़ा ही आगे निकलेंगे तो ये रास्ता सीमेंट रास्ता है, यहां तक आप आ सकेंगे। अंदर आप जब आएंगे तो ये बीच में एक होटल आएगा, उससे भी थोड़ा आगे जाना है आपको। यहां से सीधा ही रास्ता है, ये सीधा नदी की तरफ ही जाता है। और रास्ता सीमेंट से बनाया हुआ है, पक्का रास्ता है। सीधे वाटरफॉल तरफ गाड़ी भी जा सकती है और आगे पार्किंग कर सकते, इतना जगह है वहां पर। लेकिन बहुत बारिश हो तब तो ये नदी फुल भरी हुई होती है, लेकिन बारिश के बाद आने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो वाटरफॉल है साल के पूरे महीने 12 महीने ये वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ का पानी सूखता नहीं क्योंकि ये गिर जंगल में से होके आता है पानी। और ये हम गाड़ी पार्क करके नदी की तरफ वाटरफॉल की तरफ चले। ये कच्चा एक पगडंडी रास्ता है, सुंदर पेड़ पौधे को चीरते हुए हम आगे निकले। पहले थोड़ा पानी का एक झरना जा रहा था आगे, तो इतना पानी देख के भी खुश हो गए क्योंकि हम तो शहर से आते लोग हैं तो नदी तो बहुत कम देखी होगी, और ये ऐसी जंगल में पानी वाली नदी बहुत कम देखने को मिलती है। कच्चे रास्ते से पगडंडी से चलते हुए आगे हम चले और ये जो छोटा झरना जो पानी का जा रहा था इसको क्रॉस करके हमको आगे की तरफ जाना है। ये भी थोड़े पानी जा रहा है अभी। ये पानी के सोर्स को क्रॉस करके हम आगे चले। ऐसे ही ये नदी का पट ही है पूरा, लेकिन यहाँ तक तो पानी अभी नहीं है। हम जैसे ही आगे चलते गए वैसे ही पानी का आवाज हमको सुनाई देने लगा, जैसे ऊपर से नीचे पानी गिर रहा हो इस तरह से।
बहुत ही सुंदर नज़ारा है, सुकून भरा नज़ारा है। आप शांति से यहाँ बैठ के एक डेढ़ घंटा दो घंटा यहाँ आप निकाल सकते हैं। थोड़े बहुत टूरिस्ट यहाँ पर थे क्योंकि चालू दिन था, इसीलिए कम टूरिस्ट थे, लेकिन सैटरडे संडे या छुट्टियों के दिन में तो यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ ही रहती होगी क्योंकि इस एरिया में ये एक ही वाटरफॉल है जो गिर नेशनल पार्क के बिल्कुल करीब, सासण गिर से 70 किलोमीटर दूर, और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा हमको देखने को मिला है जैसे ही हम आगे आए नदी के किनारे। ये सिंगोड़ा नदी पर बना जामवाला गांव में ये वाटरफॉल स्थित है। ऊपर से नीचे पर गिरता हुआ पानी और उसका जो पानी का आवाज आप यहाँ की सुनेंगे तो ही इसका आनंद ले पाएंगे कि कितना शांत वातावरण में ये पानी का आवाज पूरे दिमाग के नसों को खोल देगा। ऐसा सुंदर आवाज आपको सुनने को मिलेगा और सासण गिर से बहुत कम है, नज़दीक ही है 70 किलोमीटर, या सोमनाथ जा रहे हो दीव जा रहे हो तो बीच में से ये रूट लेके आप यहाँ तक आ सकते हैं। जो इस एरिया का एक ही वाटरफॉल कहा जाए गिर सोमनाथ एरिया का, हम यहाँ आए तो हम इस वाटरफॉल को देख के ही बस ऐसे ही एक डेढ़ घंटा यहाँ इसको देखते ही निकाल लिए। पानी का फोर्स ज़्यादा है इसीलिए अंदर नहाने के लिए एडवाइजेबल नहीं है कि हम इसमें नहा सके, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया कि नदी के ऊपर के भाग में जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर आप नहा धो सकते, लेकिन ये थोड़ा फोर्स ज़्यादा है पानी का, रिस्की है थोड़ा, इसीलिए संभवतः इसको सिर्फ बाहर से देखे वही अच्छा है, पानी में न जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बारिश के बाद का ये फोर्स है और पानी आप देख सकते हैं फुल फोर्स से आ रहा है। और कहा जाता है कि मगरमच्छ भी इस नदी में पाए जाते हैं तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो कोई लोग यहाँ पर नहा नहीं रहे थे इसीलिए सोच सकते क्योंकि पानी बहुत गहरा और बहुत फोर्स में जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोकल लोग ने बताया था कि ऊपर की तरफ हम पानी में नहाना है तो नहा सकते जहाँ थोड़ा पानी कम है। ये हम वाटरफॉल के नज़दीक से आपको दिखा थे कैसा पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, पत्थरों के बीच में से निकलता हुआ पानी, बहुत सुंदर दृश्य और आप कुदरत का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद।